कभी-कभी हमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ शुड यूज करें, कहाँ शुड बी, कहाँ शुड हैव और कहाँ शुड हैव बीन। तो क्यों ना आज इस वीडियो में मैं एकदम क्लियर कर दूँ और आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि इन चारों का यूज आखिर होता कहाँ है। मैं आपको एक एक के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा, बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और जानें कि कैसे इसका यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं शुड की। दोस्तों शुड को हिंदी में जब कभी कोई सेंटेंस यूज करना है और उसके एंड में चाहिए आ जाए तो शुड लगाते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस देते हैं, कभी भी कोई सेंटेंस आ जाता है जिसके एंड में चाहिए है तो उसमें हम लोग शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है उसे जाना चाहिए, अब इसमें हम एंड में देख रहे हैं चाहिए आ गया, जब चाहिए आ गया तो इसमें शुड लगेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ही शुड गो। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, अब इसमें भी हम एंड में देख रहे हैं कि चाहिए आ गया, जब चाहिए आ गया तो इसमें भी शुड आएगा तो आंसर होगा यू शुड टॉक टू हिम। तो शुड का प्रयोग हमें समझ में आ चुका है कि कैसे हम लोग शुड का यूज करते हैं। जब भी कभी हिंदी सेंटेंस के एंड में चाहिए आएगा हम उसमें शुड लगाएंगे। अब बात करते हैं शुड बी की। दोस्तों शुड बी का जहाँ तक यूज है तो इसको दो तरीके से यूज करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब बोल दो या मॉडल बोल दो उसके रूप में, और एज अ पैसिव वॉइस के रूप में। लेकिन पैसिव वॉइस किसका? चाहिए का, जो हमने पहले पढ़ा शुड का पैसिव वॉइस के रूप में शुड बी का यूज होता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस वो होता है जब कोई किसी के द्वारा काम किया जाए उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो एज अ हेल्पिंग वर्ब में अगर हम यूज करेंगे तो शुड बी का हिंदी मतलब होता है होना चाहिए। ध्यान रखें होना चाहिए जब किसी सेंटेंस के एंड में आएगा तो हम लोग उसमें शुड बी लगाएंगे। लेकिन एज अ पैसिव वॉइस अगर हम यूज कर रहे हैं तो ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, यानी कि कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है उस समय हम लोग शुड बी का प्रयोग करेंगे शुड के पैसिव वॉइस के रूप में। एग्जाम्पल से हम बिल्कुल क्लियर समझ लेते हैं। सबसे पहले एज अ हेल्पिंग वर्ब की बात करें, अगर कोई एज अ हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन आता तो कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन है तुम्हें इस समय अपने दोस्त के साथ होना चाहिए, इसमें आप एंड में देखें होना चाहिए आया है। अगर होना चाहिए आया है तो इसमें शुड बी का यूज होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा यू शुड बी विद योर फ्रेंड एट दिस टाइम। यहाँ पे शुड बी का प्रयोग क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें होना चाहिए एंड में आया है तो एज अ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के रूप में हम लोग इस शुड बी का यूज कर देंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, उसे मैदान में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए एंड में आया है। ध्यान रखें चाहिए अकेला आता है तो शुड लगाते हैं ऊपर जो मैंने पहले बताया, अगर होना चाहिए आएगा तो शुड बी लगाएंगे क्योंकि बी का मतलब होना होता है। तो उसे मैदान में होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ही शुड बी इन ग्राउंड। अब यहीं पे आप हमने समझ लिया कि एज अ हेल्पिंग वर्ब में कैसे लगाते हैं। अब बात करते हैं एज अ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में कोई काम किसी के द्वारा हो, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तुम्हें बताया जाना चाहिए। अगर हम इसमें इसी एग्जाम्पल को देखूं तो तुम्हें बताया जाना चाहिए यानी कि किसी के द्वारा बताया जा रहा है तो पैसिव वॉइस में जाएगा। तो हम लोगों ने देखा भी था ऊपर मैंने बताया भी था कि ना चाहिए जब आएगा तो उसमें हम लोग शुड बी का यूज करेंगे, तो इसका आंसर होगा यू शुड बी टोल्ड। यू शुड बी टोल्ड इसलिए ये क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हम लोगों को बनाना है तुम्हें को यू बोलते हैं तो यू शुड बी टोल्ड, इस तरह से हमने इसका पैसिव वॉइस बना दिया। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, किताब पढ़ी जानी चाहिए, अगर किताब पढ़ी जानी चाहिए तो किसी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए, जब किसी के द्वारा पढ़ी जा रही है तो आंसर होना चाहिए बुक शुड बी रेड। रीड की थर्ड फॉर्म भी रेड, स्पेलिंग यही होती है लेकिन पढ़ते उसे रेड है तो बुक शुड बी रेड, ये भी पैसिव वॉइस में जा रहा था इसलिए हम लोगों ने इसका पैसिव वॉइस बना दिया। आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बात करते हैं शुड हैव की। दोस्तों शुड हैव की अगर हम बात करें तो शुड हैव का प्रयोग भी दो तरीके से होता है। एक होता है जब कभी भी किसी सेंटेंस के एंड में पास होना चाहिए आ जाए, और दूसरा होता है जब कभी किसी सेंटेंस के एंड में चाहिए था आ जाए। अगर पास होना चाहिए आ जाए तो हम शुड हैव को एज अ मॉडल या फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर चाहिए था आ जाएगा तो हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हो चुका होगा। चलो देखते हैं, जरा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है कि तुम्हारे पास खिलौने होना चाहिए। अब आप लोग एक बात देख रहे होंगे, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को समझ रहे हो तो, कि एंड में होने चाहिए आ जाए और बीच में पास लगा है, और जब कभी भी पास होना चाहिए आता है तो हम उसमें शुड हैव लगाते हैं। तो तुम्हारे पास खिलौने होना चाहिए, इसका आंसर होगा यू शुड हैव टॉयज, क्योंकि खिलौनों को क्या बोलते हैं? टॉयज। यहीं पे अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें, जैसे मैंने बोला कि उसके पास मौका होना चाहिए,
इसमें भी पास होना चाहिए, होना चाहिए भी एंड में लगाया लेकिन पास भी लगाया, तो पास होना चाहिए आ गया, इसीलिए शुड हैव लगाएंगे। उसके को ही बोलते हैं, तो आंसर होगा ही शुड हैव अ चांस, यानी कि उसके पास मौका होना चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है चाहिए था के रूप में। शुड हैव मैंने आपको बता दिया होना, पास होना चाहिए के रूप में। अब अपन लोग बात करते हैं चाहिए था के रूप में, यानी कि जब कोई सेंटेंस आ जाए जिसके एंड में चाहिए था आ जाएगा, तो आप देख रहे होंगे कि चाहिए के लिए हम लोग क्या लगा रहे थे, फिर होना चाहिए के लिए क्या लगा रहे हैं। अब चाहिए था अगर आ जाए, मतलब चाहिए के साथ था जुड़ जाए, तो उसके लिए भी शुड हैव लगाते हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला कि तुम्हें उधर जाना चाहिए था, तो मैं उधर जाना चाहिए था, इसको अगर हम बनाएंगे तो आंसर होगा यू शुड हैव गॉन देयर। इसमें मैंने शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, जिससे कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए था, इसमें भी हम देख रहे हैं कि एंड में चाहिए था आ गया। अब चाहिए था आ गया, तो इसमें हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और शुड हैव का प्रयोग करेंगे, तो आंसर होगा आई शुड हैव डन इट, यानी कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। आई थिंक आपको क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं शुड हैव बीन की, कि शुड हैव बीन का प्रयोग कहाँ होता है। तो शुड हैव बीन शुड हैव के पैसिव वॉइस के रूप में, एज अ पैसिव वॉइस के रूप में ये होता है। मतलब शुड हैव का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो शुड हैव बीन बनेगा। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका हो जाएगा जाना चाहिए था, जानी चाहिए थी, जाने चाहिए थे, यानी कि चाहिए था तो आएगा ही आएगा, लेकिन किसी के द्वारा कोई काम हो रहा होगा, जब कोई काम हो रहा होगा तो उसमें शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि उसे पढ़ाया जाना चाहिए था, मतलब अगर कोई किसी को पढ़ाया जाएगा तो किसी के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, इसीलिए इसमें पैसिव वॉइस का यूज हो रहा है। पैसिव वॉइस का यूज होगा तो उसमें शुड हैव बीन का यूज होगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उसे पढ़ाया जाना चाहिए था, इसको अगर हम बनाना है तो ही शुड हैव बीन टॉट, यानी कि उसे पढ़ाया जाना चाहिए था। वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे बताया जाना चाहिए था, तो आई शुड हैव बीन टोल्ड, यानी कि मुझे बताया जाना चाहिए था, तो ये भी पैसिव वॉइस में जा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब कभी भी हम लोग शुड हैव का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो शुड हैव बीन का उसमें यूज करते हैं। तो दोबारा एक बार जल्दी से रिविजन करा देता हूँ दोस्तों, शुड का प्रयोग चाहिए के लिए, वहीं पर शुड बी का प्रयोग दो तरह से, होना चाहिए और ना चाहिए, यानी कि एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ पैसिव वॉइस। अगर हम बात करें शुड हैव की, तो शुड हैव का प्रयोग भी दो तरह से होता है, एक पास होना चाहिए और दूसरा चाहिए था। चाहिए था के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर बात करें शुड हैव बीन की, तो शुड हैव बीन का प्रयोग एज अ पैसिव वॉइस ऑफ शुड हैव के तरह यूज होता है। आई थिंक आपको समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।